ये वाला आइटम चार तो पहले ही आ गई थी, तीन बाद में सात, 24 और सात कितने हो गए, इकतीस, इतनी थी ना 24 लिस्टेड है। इंद्राणी जी कह रहे थे करें, हाँ बोलो पूछ लो उनसे। रेडी भाई चलो ठीक है सर। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक के अंदर टोटल एजेंडा आइटम्स 27 थी और लगभग सभी पर सहमति बनते हुए आज हमने सभी आइटम्स को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसमें प्रमुख रूप से हरियाणा माता भीमेश्वरी देवी मंदिर आश्रम बेरी पूजा स्थल अधिनियम 2018 को स्वीकृति दी गई। भीमेश्वरी देवी, माता भीमेश्वरी देवी मंदिर। इसमें बेरी के अंदर जिला झज्जर में माता भीमेश्वरी देवी जी का मंदिर है। अभी तक वहां पर कुछ महंत और पुजारी इसकी देखभाल करते थे, पूजा पाठ करते थे, परंतु पिछले दिनों उसके बेहतर प्रबंधन और प्रशासन और अभिशासन के लिए हरियाणा माता भीमेश्वरी देवी मंदिर आश्रम बेरी पूजा स्थल अधिनियम 2018 को स्वीकृति प्रदान की है। पूजा स्थल कोष का स्वामित्व बोर्ड के पास रहेगा या बोर्ड के स्वामित्व प्रशासन और उपयोग का हकदार होगा। माने मुख्यमंत्री जी इसके अध्यक्ष होंगे इस बोर्ड के, और हमारे लोकल बॉडी मिनिस्टर कविता जैन जी इसके डिप्टी चेयरमैन होंगे। इसके साथ साथ जो वो पूजा स्थल पर लोग काम कर रहे हैं, अभी उसकी देखभाल कर रहे हैं, जो परिवार जो महंत हैं उसी रेशो के अनुसार वहाँ पर कर्मचारियों की नियुक्ति करने का काम करेंगे। इसके बाद कल्पना चावला हरियाणा शौर पुरस्कार, सरकार की ओर से 10 करोड़ की राशि। कल्पना चावला क्या था? कल्पना चावला हरियाणा शौर पुरस्कार, शोर या पुरस्कार दे? ऊर्जा पुरस्कार, सौर ऊर्जा क्षेत्र में महिला वैज्ञानिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कल्पना चावला हरियाणा सौर ऊर्जा पुरस्कार शुरू किया गया है। इसमें 10 करोड़ रुपए हरेडा को हरियाणा सरकार जमा कराएगी, हरेडा इसमें जमा कराएगी, और 10 करोड़ रुपए का पर ईयर जो इंटरेस्ट होगा वो इसकी नाम राशि होगी, और एक व्यक्ति को या एक महिला वैज्ञानिक को हर वर्ष इसका पुरस्कृत किया जाएगा, हरियाणा सरकार को देगा। हाँ, और 90-10 में इस पुरस्कार के लिए जो टोटल पैसा 10 करोड़ जमा होगा उसमें 10% अन्य खर्चों के लिए यूज किया जाएगा और 90% उस वैज्ञानिक की इनाम के लिए देने का काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इसके लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है और हरियाणा से में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं सौर ऊर्जा के लिए क्षेत्र में काम करने की, जो नए वैज्ञानिक हैं उनको एक बड़ा लाभ मिलेगा। हरियाणा नहर तथा जल निकास संशोधन नियम 2018 को स्वीकृति दे दी गई है। संशोधन के तहत मांग विवरणी खतौनी तथा ग्रामीणों की पहुँच होगी। गाँव के पटवारी के पास रखी गई खतौनी को पटवारी द्वारा निर्धारित स्थान, तिथि और समय पर जल प्रभारों के शुल्क का भुगतान करने वाले व्यक्तियों के निरीक्षण के लिए रखा जाएगा। इसमें कुछ चेंजेस किए हैं रूल के अंदर। आज तक जो नहर का पानी उपयोग करने वाले लोग थे उनका कितनी क्वांटिटी में पानी मिलेगा, उनकी बाराबंदी क्या होगी, उस प्रकार के मामले रहते थे, तो हरियाणा सरकार के अंदर इस बिल के अंदर संशोधन करके ताकि किसानों को हर चीज़ पारदर्शिता के साथ उपलब्ध हो, उस प्रकार का हमने एक इसमें बिल सुधार करने का काम किया। इसी प्रकार से तेजाब पीड़ित महिलाओं और लड़कियों को वित्तीय सहायता योजना शुरू। जो तेजाब पीड़ित महिलाएं और पुरुष हैं, लड़कियां हैं, उनकी वित्तीय सहायता योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसके तहत तेजाब पीड़ित महिला या लड़की को मासिक पेंशन दी जाएगी, उन्हें आजीवन आय का निरंतर स्रोत मिल सके। कितनी पेंशन है सर? मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, केंद्र में मोदी जी की सरकार बनने से पहले केवल 7 तरह की डिसेबिलिटीज़ को बेनिफिट की कैटेगरी में रखा जाता था, बेनिफिशरी कैटेगरी में रखा जाता था, परंतु हमारी इस केंद्र में सरकार बनने के बाद 21 तरह के
डिसेबल लोगों को इस कैटेगरी में रखा गया, और उसमें तेजाब पीड़ित भी, एसिड विक्टिम को भी हमने जोड़ने का हमारी सरकार ने, केंद्र ने योजना बनाई है, और हरियाणा के अंदर इसको आज कैबिनेट ने पास कर दिया। योजना के तहत 2 मई 2011 में उसके बाद तेजाब हमले का सामना करने वाली कोई भी महिला या लड़की इस योजना के लिए लाभ पात्र होगी। निःशक्तता की प्रतिशत के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। आज हमारी मान लो पेंशन 1800 रुपये है दिव्यांग लोगों के लिए, उसमें इन लोगों को एक अलग से राहत देने का केंद्र सरकार की भी योजना है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी कोई डायरेक्शन है। हमने तय किया है जो 40-50% दिव्यांगता होगी उनको जो मौजूदा पेंशन हमारी ओल्ड एज पेंशन है या हमारी दिव्यांग पेंशन है उससे 2.5 गुना, जैसे आज 1800 है तो उनको 4500 रुपये मासिक पेंशन देने का हम काम करेंगे। जो विक्टिम 51-60% दिव्यांग है वो दिव्यांग पेंशन का 3.5 गुना अर्थात 6300 रुपये मासिक उसको पेंशन मिलेगी, और इसी प्रकार से 61% से अधिक दिव्यांग पेंशन को 4.25 गुना अर्थात 8100 रुपये मासिक दिए जाएंगे। यह सुविधा पुरुष व किन्नर पीड़ित के मामले में भी उपलब्ध होगी। हरियाणा में तेजाब पीड़ित के अभी तक 15 केसेज हमारे संज्ञान में है, यदि और एप्लीकेंट आएंगे तो उनको भी मत देने का काम। इसी प्रकार से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के 6 लेन कुंडली मानेसर सेक्शन पर टोल संग्रहण 31 अक्टूबर 2018 तक ये पूरा होने की, कुंडली मानेसर सेक्शन का कार्य पूरा होने की संभावना है। वास्तविक रूप से कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद इस खंड पर टोल लगाया जाना है। HSIDC स्वयं या एजेंसी के माध्यम से उपयोगकर्ताओं पर टोल शुल्क लगाए व्यक्तित करेगा। आरंभ में जिला सोनीपत के गांव अब्बासपुर, गांव पीपली टोल प्लाजा, जिला झज्जर में, गांव मंडोती एवं बादली और जिला गुरुग्राम में गांव सुल्तानपुर, पटली हाजीपुर और मोकलवास फजलीवास टोल प्लाजा पर टोल लिया जाएगा। कितने टोटल लगाए जी शुरू में, 5 या 4? हाँ जी, ये 5 बने, 4 बने? 5 बने। पाँच हो गए। रोड का क्या नाम है सर पूरा? और इसके कुंडली मानेसर भी प्रस्तावित है, ये प्रारंभिक चरण है, इसके बाद भी लगेंगे? नहीं, इसमें जो हमने बेसिक जिस चीज को हमने मंजूरी दी है टोल की तो थी बात, परंतु आज जो कैबिनेट ने मंजूरी दी है वो इस बात के लिए मंजूरी दी है कि टोल अभी स्टार्टिंग के कुछ दिन इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे, उसके 3 महीने के बाद 3 महीने तक के लिए पहला किया जाएगा 3 महीने ट्रायल तौर पर, और उसके बाद फिर अलग अलग डेट्स में इसको एक्सटेंशन किया जाएगा। परंतु जो बेसिक चीज आज तय की गई है वो ये तय की गई है पहले टेंडर के अंदर कंपनियां सरकार को अपने टोटल टोल कलेक्शन का परसेंटेज सरकार को देती थी। इस बार सीएम साहब ने और कैबिनेट ने ये फैसला किया है, हम टोल लगाने वाली कंपनियों से ये पूछेंगे कि आपको कितने परसेंट चाहिए, और जो मिनिमम पे आएंगे परसेंटेज के उसको टेंडर देने का हम काम करेंगे, ये ट्रांसपेरेंसी रहेगी। अब कितना टोल कंपनी संग्रहण करती थी कितना नहीं करती थी किसी को पता लगता था, सरकार के बीच में भी और जनता के बीच में दुविधा रहती थी। अब उसका टोटल एक्यूरेसी होगी जब हमें लगेगा सरकार के हाथ में चीज रहेगी। तो बिड कॉल करेंगे? हैं जी, HSID से बिड करेंगे? हाँ, HSID से। वो चीज बाद की है, वो जब बिड्स की बात आएगी वो अलग है, परंतु आज तो इस मूल चीज को हमने आज इसको पास करने का इन प्रिंसिपल आज हमने कर दिया। इसी प्रकार से पंचग्राम विकास विधेयक 2018 को भी आज मंजूरी देने का काम किया है। कुंडली मानेसर पलवल के MP एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 5 नए शहरों के विकास के लिए पंचग्राम विकास विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी गई है। पंचग्राम क्षेत्र के विकास के लिए नीति निर्धारण, विकास और विनिमय के लिए पंचग्राम विकास प्राधिकरण को शीर्ष निकाय के रूप में गठित किया गया। इस क्षेत्र में राज्य के 8 जिले सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, मेवात, फरीदाबाद और पलवल आएंगे। मास्टर प्लानिंग के लिए भावी पहलों के लिए मार्गदर्शन दस्तावेजों के रूप में कार्य करेगा। अनुमान है 2050 तक भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 50% शहरी क्षेत्रों में रहने लगेगा। एक नई संभावनाएं हैं एक्सप्रेस हाईवे के साथ साथ, उनको एक नई तरीके से डिजाइन करके नई तरीके से उन शहरों को स्थापित करने की योजना है, और जिस प्रकार से हमारा GMDA बना है और फरीदाबाद के अंदर हमारा बना है, इस प्रकार से एक अलग तरह का प्रारूप तैयार करने के लिए
ताकि लोगों को बेसिक चीज़ों के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े, और एक अलग तरह का वहाँ का लोकल बॉडी का सिस्टम तय करने की योजना है। और डेवलपमेंट के अभी प्रथम चरण को हमने ये मंजूरी दी है कि इस प्रकार के भावी डेवलपमेंट के लिए ये पंचग्राम विकास विधेयक को आज हमने मंजूरी देने का काम जी ऑर्डिनेंस। इसी प्रकार से हरियाणा नगर 1970 में संशोधन किया गया। और खरीफ विपणन सीजन 2018-19 के तहत बाजरे खरीद 1950 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की स्वीकृति दे दी गई है। हमने तय किया है कि मार्केट में आने वाले प्रत्येक बाजरे का एक एक दाना सरकार खरीदेगी, परंतु यदि वही कोई प्राइवेट एजेंसी के तहत या प्राइवेट व्यापारियों को भी कोई किसान बेचना चाहे, उनको यदि ऊंचे रेट मिलते हैं इस रेट से, तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। और हमने बाजरा की खरीद के लिए जो कुल सर्वेक्षण कृषि विभाग ने किया है वो 3,40,910.50 हेक्टर क्षेत्र की बिजाई हरियाणा में हुई है, जिसके दौरान 6,20,699.24 मीट्रिक टन बाजरे का उत्पादन होने की संभावना। कोई सीमा तो नहीं तय करी थी बाजरे की परचेज की? नहीं नहीं, परसेंटेज कोई तय नहीं किया। हरियाणा सरकार फुल फ्लैज खरीदने के मूड में बाजार में जाएगी। यदि कोई प्राइवेट एजेंसी आती हैं किसान को, किसान का भाव अच्छा और मिलता है, तो उसके लिए सरकार को तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हमारा कुल मिला के ये है कि किसान को ज़्यादा बेनिफिट हो। नहीं, 100% की बात मैं बोल रहा हूँ ना, 100% की बात कर रहा हूँ। अगर जो प्राइवेट जाना चाहे जाता रहे, मैं 100% परचेज की बात आपके सामने रिपीटेडली बोल रहा हूँ। एमएसपी में किसी तरह का इजाफा है? एमएसपी में कोई इजाफे की बात नहीं है, परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी जो खरीद होगी, पिछली बार जो मार्केट रेट था अभी पिछले दिनों वो 1425 रुपए का था, जो लेटेस्ट अभी बिका है। हम 1500 रुपए से हरियाणा सरकार उसकी खरीदारी की शुरुआत करेगी, और यदि 1500 रुपए से यदि कंपटीशन में और व्यापारी आते हैं उसके अगले दिन पर डे इसका रेट फिक्स करेंगे हम। यदि कंपटीशन में किसान को ज़्यादा लाभ देने वाली और एजेंसी आती हैं और व्यापारी आते हैं तो हरियाणा सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी, अगले दिन हम रेट बढ़ाने का काम करेंगे। परंतु यदि 1500 की खरीद पे कोई और एजेंसी नहीं आती, सरकार किसान से 1500 रुपए में खरीदेगी, परंतु 1950 रुपए की उसकी भरपाई सिर्फ डायरेक्ट किसान के डीबीटी में डालने का हम काम करेंगे। और यदि किसान को प्राइवेट एजेंसी ज्यादा रेट में खरीदना चाहे तो किसान को लाभ मिले, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। डीबीटी के माध्यम से हमारे पास पूरी रिकॉर्ड आ गया किसान का, परचेज का बिल 1500 का कटेगा। हाँ, इसी प्रकार से हरियाणा में लागू पंजाब डिजिटल नियम 1932 संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिस प्रकार से सीसीटीवी कैमरे के द्वारा हम बहुत सी चीजों की निगरानी करते हैं, इसी प्रकार से हरियाणा सरकार ने तय किया, राज्य सरकार ने शराब के वैध प्रागमन को रोकने के लिए वास्तविक समय आधार पर कारखानों से आबकारी कर योग्य वस्तुओं का पता लगाने तथा शराब के परागमन की सघन निगरानी के लिए मुख्य कार्यालय के साथ साथ डिस्टिलरियों, ब्रेवरियों और बॉटलिंग प्लांट में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। विनिर्माण डिस्पैच की प्रभाव निगरानी नियंत्रण के कारखानों में आवश्यक प्रबंधन करने का खर्चा डिस्टिलरियां, ब्रेवरियां और बॉटलिंग प्लांट द्वारा वहन किया जाएगा। ये उन्हीं अटैच अटैच डिपार्टमेंट अटैच वो डिपार्टमेंट से अटैच होगे ना, उसका अधिकारी वहां इंस्पेक्टर बैठता है, वो मैनुअल होगी ना जी। सीसीटीवी तो पहले की बात है, कितने किसी में भी था सीसीटीवी? मैं ये कह रहा हूँ कि वो हमारे अटैच में नहीं था ना, सरकार के प्रभाव में नहीं था, वो इंटरनल था उनका, मतलब उसके अधिकारी निगरानी रखेंगे आप लोगों के डायरेक्टली। हाँ। यही मैसेज है, हेडक्वार्टर भी निगरानी रखेंगे, हेड ऑफिस से निगरानी देंगे। इसी प्रकार से UHBVN और DHBVN म्यूचुअल डिस्काम आश्वासन योजना उदय की प्रगति की समीक्षा के लिए आज बैठे थे हम, इसमें काफ़ी विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया गया। और इसी प्रकार से आज सबसे बड़ी हमारी जो हमारा बिजली वितरण निगम है उसकी तरफ से एक बात आई है, पहले यदि किसी को अपने बिल के ऊपर ऑब्जेक्शन होता था वो कोर्ट में कंज्यूमर जाता था तो उसको टोटल बिल का 50% जमा कराना पड़ता था। आज हमने उपभोक्ताओं को फायदा को देखते हुए, उनकी विषय को, उनकी सहमति को देखते हुए, उनकी हालात को देखते हुए हरियाणा सरकार ने यह तय कर दिया है कि 20% वो अपनी बिजली का बिल यदि वो सबमिट करता है उसके बाद वो कोर्ट में जाएगा
तो वो अपने बिल को करेक्शन के लिए किसी प्रकार की कोई भी समस्या के लिए उसका बिल मीटर डिस्कनेक्ट नहीं किया जाएगा या मीटर उतारा नहीं जाएगा। 20% देना, हाँ पहले 50% देते थे, 50% टोटल बिल का, 30% की सीधी सीधी उपभोक्ताओं को राहत देने का काम किया। उसके बाद कोर्ट जो डिसीजन करेगा उसको सारा माफ करे, क्या करे, वो जो प्रोसेस होगा वो एज इट इज। हाँ ये एक विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, सशस्त्र बलों और अर्ध सैन्य बलों के शहीदों के आश्रितों के लिए अनुग्रह अनुदान राशि नीति में संशोधन तथा दो आश्रितों को सरकारी नौकरी। अब तक सरकार ने 235 शहीदों के आश्रितों को नौकरी प्रदान की है। हरियाणा के शहीदों के आश्रितों को सम्मान अवसर प्रदान करने के लिए सशस्त्र बलों और अर्ध सैनिक बलों के शहीदों के आश्रितों के लिए अनुग्रह अनुदान नीति में संशोधन करने का फैसला लिया। कितने करोड़ रुपए टोटल दे चुके हैं 235 लोगों? 50 लाख के हिसाब से नहीं, नहीं कुछ लोगों नौकरी दी, नौकरी नौकरी भी दी है, नौकरी भी दी है। जो अब हमारे मान लीजिए सरकार बनने के बाद, ये 2016 के बाद तो हमने ये 50 लाख रुपए कर दिए थे, उससे पहले तो 20 लाख रुपए थे, तो वो टोटल तो मेरे पास अभी नहीं है, परंतु पहले से हमने बढ़ाने का काम किया, क्योंकि हरियाणा का देश की सेनाओं में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पॉपुलेशन वाइज जितने हमारी टोटल देश में पॉपुलेशन है उसका 10% टोटल अर्ध सैनिक और सैनिक बलों के अंदर हमारे देश का है, और नौकरी भी दी है। हाँ तो इसमें हमने पहले नहीं, इसके अलावा कुछ चीज़ें विशेष छूट दी है, जो हमने हरियाणा के शहीदों के आश्रितों को समान अवसर प्रदान करने के लिए सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के शहीदों को भी आश्रितों के लिए अनुदान, इसमें क्या किया संशोधन के अनुसार, पहले तो गोद लिए जाने वाले बेटा या बेटी को उसके 18 वर्ष की, पहले तो ये था कि पत्नी या उसका बेटा या उसकी बेटी को एम्प्लॉयमेंट देते थे, परंतु यदि कम उम्र में किसी सैनिक की शहादत हो गई और उसकी पत्नी ने उस समय नौकरी लेने के लिए मना कर दिया, परंतु उसने कोई बच्चा अपना उस बच्चे के साथ जीवन यापन करने के कोई बच्चा गोद लिया, उस बच्चे को गोद लेने के बाद जब उसकी 18 साल की उम्र पूरी होगी तो उसको भी हमने एम्प्लॉयमेंट देने की बात की है। इसमें केवल संशोधन आज ये किया है कि वो बच्चा जब गोद लिया गया है उस समय उसकी आयु 18 साल से पहले होनी, ज्यादा होनी, कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कोई ये कहे कि आज 40 साल के बाद मैंने बच्चा गोद ले लिया और वो बच्चे की उम्र 20 साल है वो। और दूसरा इसी प्रकार से आज दो हमारे सिपाही जो देश के लिए शहीद हुए हैं, सिपाही सत्यनारायण की आश्रितों को उसकी बेटी को, मैरिड बेटी को भी हमने रोजगार देने की बात, और ग्रुप सी के उसकी क्वालिफिकेशन इतनी थी ग्रुप सी के लिए उस लड़की को सुजाता को हमने सरकार में ऑफर दिया है कि उसकी क्वालिफिकेशन इतनी थी कि वो शादी के बाद भी, हरियाणा सरकार ने बहुत बड़ी बात है कि उस बेटी को रोजगार देने के लिए बात की। इसी प्रकार से अर्धसैनिक बल और सैनिक सेना सेनाओं में जो लोग, दूसरा कौन है फिर इसमें, एक तो सत्यनारायण जी हैं, एक साहा का होगा, नहीं साहा वाला तो पहले हो गया, वो नहीं वो एजेंडा टेबल एजेंडा था, वो टेबल एजेंडा था, उसका भी बच्चा गोद लिया बच्चा था उसके लिए विशेष छूट दिया जाए। ये है सत्यनारायण की बेटी सुजीता कुमारी, डाकघर मामड़िया अहीर तहसील व जिला रेवाड़ी के निवासी थे, 9 नवंबर 1988 को ऑपरेशन मेघदूत के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया था। दूसरा भी वो टेबल एजेंडा था वो मेरे वाली लिस्ट में है। स्टाम्प ड्यूटी भी कम करने की बात आ रही थी क्या उसमें कुछ और कुछ स्टाम्प ड्यूटी का था कुछ? ये दूसरा था सतवीर सिंह, सिपाही सतवीर सिंह ढाणी हरसुख, सिपाही सतवीर सिंह ढाणी हरसुख, इसके भाई को रूल्स में रिलैक्सेशन देकर 2002 में इसकी ऑपरेशन रक्षक में शहादत हुई थी, इसके भाई को एम्प्लॉयमेंट देने की आज बात, 2002 में और इसकी तो और पहले हुई थी जो हमारे सुजीता को जिसको हमने एम्प्लॉयमेंट दिया है।
अच्छा दोनों बच्चे अडॉप्टेड होंगे ना? नहीं, ये तो उसकी अपनी बेटी थी, ये भाई को दिए। इसकी 9 नवंबर 1988 को हुई थी शादत, इसकी 2002 को, इसकी तो 9 नवंबर 1988 को हुई थी। हाँ, इतने साल के बाद तो स्टाम्प ड्यूटी भी कम की है क्या? कुछ अनाउंसमेंट की थी उस पर भी कुछ मंत्रिमंडल की वो लगी क्या? कौन सी? बिजली के काम होंगे, बिजली के रेट का। हाँ वो तो लगा दी मोर ना, वो तो लग गई उसमें तो। कोई बड़ा फैसला स्टाम्प ड्यूटी कम करने की बात थी अचल संपत्ति में? आइए, इसमें हमने अचल संपत्ति गैर वसीयत दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में 5% तक की छूट, नहीं वृद्धि की गई है। 0.5 आधा पॉइंट, हाँ 0.5% की वृद्धि की गई है। इसमें क्या था, जो गैर वसीयत जो डॉक्यूमेंट्स थे जिनकी को वसीयत नामा या कोई नहीं था, ऐसा प्रूफ नहीं था, उसके अंदर एक संशोधन किया गया है 2006 के अंदर। ये 15,000 की लिमिट तय की गई थी, ये 25 लाख रुपए तक जो भी रजिस्ट्रेशन शुल्क होगा उसके ऊपर 15,000 तक की एक फिक्स किया था। अब उसको थोड़ा सा, क्योंकि खर्चे बहुत बड़े हैं डिपार्टमेंट के, उसके अनुसार यदि प्रतिफल की राशि पर 25 लाख रुपए से अधिक किंतु 30 लाख रुपए से कम है तो 15,000 रुपए, और 30 लाख रुपए से अधिक किंतु 40 लाख रुपए से कम है तो 20,000 रुपए, और 40 लाख रुपए से अधिक किंतु 50 लाख रुपए से कम है तो 25,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन शुल्क दे होगा, और 50 लाख रुपए से अधिक किंतु 60 लाख रुपए से कम है तो 30,000 रुपए, और 60 लाख रुपए से अधिक किंतु 70 लाख से कम है तो 35,000 रुपए, और 70 लाख रुपए से अधिक किंतु 80 लाख रुपए से कम है तो 40,000 रुपए, और 80 लाख रुपए से अधिक किंतु 90 लाख से कम है तो 45,000 रुपए, और यदि 80-90 लाख रुपए से अधिक है तो 50,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन शुल्क देना। स्लैब बना रहे हैं, स्लैब बना दिए। इसके अलावा और मेरे ख्याल से बिजली के बिलों में सरचार्ज घटाने की बात उठी थी, क्या कहानी इधर कुछ हुआ मंजूरी है? बिजली के बिलों में सरचार्ज घटाने की बात थी कि भाई जिन लोगों का सरचार्ज ज्यादा लगा हुआ है वो, हमने सारी आज बड़ी विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा हुई है, और ये सरचार्ज के साथ साथ जो एजेंडा आइटम थी उन पे सभी पे बड़ा डिटेल से उपभोक्ताओं के रिलीफ के लिए ही सारे एजेंडे पर डिस्कशन की गई। कर्मचारियों के मसले पे चर्चा हुई है? कर्मचारियों के मसले नहीं, ठीक है। सेवा विस्तार या किसी का रीएम्प्लॉयमेंट ना हुई? रीएम्प्लॉयमेंट तो लंबी इतनी चल गई कि।